Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में मस्जिद वजीर खान में फिल्म की शूटिंग, गाने पर रक्स, इंतजामिया खामोश। मस्जिद जो अल्लाह का घर है, जहां पाक साफ होकर मुसलमान अपनी जबीन नियाज अपने अल्लाह के आगे झुकाता है, वहां गाने पर रक्स हुआ, जहां सिर्फ अल्लाह की किबरियाई और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की आवाज़ें गूंजती हैं, जहाँ ऊँची आवाज़ में बात करना बेअदबी समझा जाता है, वहाँ गाने गाए गए। और ये सब इस सरजमीन पर हुआ जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया, जिसे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान कहा जाता है। वैसे तो तमाम तारीखी और बड़ी मसाजिद में तकरीब निकाह पर फ़ोटोशूट एक आम सी बात बनकर रह गई है। एक तबका ऐसा है जो मसाजिद को, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की जाती है, उसे फ़ोटोशूट के लिए ही इस्तेमाल करता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर की मशहूर मस्जिद वजीर खान में हुआ, वो तो बेहूदगी की इंतहा थी। मस्जिद वजीर खान लाहौर की तारीखी और मुगलियाई दौर के नादर और मारूफ मकामात में से एक है। एक निजी प्रोडक्शन अदारे ने 21 जुलाई को सेक्रेटरी औकाफ से दरख्वास्त की कि इन्हें शॉर्ट फिल्म की शूटिंग की इजाज़त दी जाए। बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर ने 27 जुलाई को इजाज़तनामा जारी करते हुए वादा कर दिया कि 30,000 रुपये महकमाना फीस वसूल करने के बाद मस्जिद वजीर खान में रिकॉर्डिंग की इजाज़त दे दी जाए। ताहम रिकॉर्डिंग के लिए मस्जिद के तकद्दस को पामाल ना किया जाए। इजाज़तनामा मिलने के बाद निजी प्रोडक्शन कंपनी ने मस्जिद वजीर खान में रिकॉर्डिंग की और वादा किए गए तमाम कवायदे और ज़वाबत को पामाल कर दिया। मस्जिद वजीर खान के अंदर की जाने वाली रिकॉर्डिंग के दौरान एक गाने पर फनकारों ने रक्स का सीन भी रिकॉर्ड करवाया। न्यूज़ चैनल पर मामला उठाए जाने पर सेक्रेटरी औकाफ ने डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब को मुतलका जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत तो कर दी, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान कहलवाने वालों को कैसे हिम्मत होगी कि वो मस्जिद में रक्स और गाने वगैरह भिजवाएँ, और क्या इस वाक़े के बाद मज़ीद ऐसे वाक़ात होना बंद हो जाएंगे? क्या मसाजिद में फ़ोटोशूट के नाम पर होने वाली बेहयाई और मस्जिद के तकद्दस की धज्जियां बिखेरना बंद हो जाएंगी? इस हवाले से अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जहां ऐसे वाकयात की रोकथाम और जिम्मेदारों को सजा का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, जबकि मुख्तलिफ उलमाए किराम ने इस वाक़े के हवाले से अपने रद्द अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि मसाजिद में फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग का सिलसिला फिलफोर बंद किया जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि मुल्क में मस्जिद में ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग पर पाबंदी लगाई जाए। बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान समेत किसी भी मस्जिद में इसकी इजाज़त ना दी जाए। जबकि मुफ्ती काका हेल का इस पर कहना था कि मस्जिद वज़ीर खान लाहौर में एक रकासा और एक बांड के मिलकर खाना खुदा में नाच गाने की शूटिंग की खबर वायरल है। ये अल्लाह के घर की सख्त बेहुरमती, तुहीन और तकद्दस की पामाली है। तमाम जिम्मेदारों पर तहीन मकदसात की दफात के तहत मुकदमात कायम करके फौरी गिरफ्तारियां की जाएं। तमाम मुसलमान आवाज़ उठाएं। फ़र्ज़ कीजिए सरहद पार से खबर आती है कि हिंदू इंतहा पसंद बैंड बाजों और रक्स करते मराशियों समेत मस्जिद में घुस गए, तो हमारा मजमूई कौमी रद्द अमल क्या होता? अब खामोशी क्यों? जबकि इस मौके पर अताउल्लाह बुहारी का कहना था, मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग करने वाले, करवाने वाले, इजाज़त देने वाले और किसी भी हवाले से इसमें तावन करने वालों के खिलाफ तोहीन शायर इस्लाम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं?